हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू क्रंच बर्गर। बर्गर का नाम लेते ही ऐसा लगता है कि कौन आलू को बॉईल करे फिर टिक्की बनाए, इसलिए इसमें ना आपको आलू को बॉईल करना है ना टिक्की बनानी है। हम इसे कच्चे आलू से ही बनाएंगे। बर्गर बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए 4 ये कच्चे आलू, मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, और बर्गर की सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए मेयोनीज और शेज़वान चटनी। और बर्गर के लिए हमें चाहिए ये बर्गर वाले बन। ये प्री स्लाइस्ड बर्गर है, इसको काटने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहले हम बनाएंगे एक बैटर। उसके लिए हम लेंगे क्लीन बोल, उसमें डालेंगे हम 4 चम्मच मैदा, और उसमें फिर हम डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच भर के लाल मिर्च और 1 चम्मच चाट मसाला। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसमें हम अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक इसका बैटर रेडी कर लेंगे। ये बैटर बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हमें इस तरह का बैटर चाहिए। थोड़ा रनी ही होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम ये आलू पहले छील लेते हैं। ये बिल्कुल कच्चे ही आलू हैं, कोई बॉईल किए हुए आलू नहीं हैं, और इन्हें हमें बिल्कुल पतला पतला इस तरीके से काटना है। आलू बिल्कुल भी मोटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल पतले पतले चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से पतले स्लाइस ही होने चाहिए। अगर मोटे मोटे आलू होंगे तो वो पकोड़े की तरह बन जाएंगे। देखिए, मैंने सारे आलू काट लिए हैं, उसे अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब हम सॉस भी रेडी कर लेते हैं। हमने लिए 4 चम्मच मेयोनीज, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच शेज़वान चटनी। इसमें चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो सब कुछ पहले से ही डाला होता है, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, तो इसलिए ये डालने से हमारी सॉस फटाफट से रेडी हो जाती है। इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है कि कोई भी इसमें लम्स ना रहे। हमारी क्रीमी सी सॉस भी एकदम, ये देखिए, रेडी है। अब हमें मीडियम टेम्परेचर पर ऑयल चाहिए। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। बैटर हमारा एकदम रेडी है, ये देखिए, और जो हमने आलू काटे थे पतले पतले, ये देखिए, वो भी रेडी हैं। अब हम आलू क्रंच रेडी कर लेते हैं। इसको हमें अच्छे से बैटर में डिप करना है और फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देना है। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, तभी ये आलू अच्छे क्रंची बनेंगे। अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे तो ये आलू सॉगी से हो जाएंगे। अगर आपको हाथ से फ्राई करने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह से एक फोक की हेल्प से भी फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट तक अलट पलट के हमें दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। हमें इसके लिए ध्यान रखना है कि आलू बिल्कुल पतले पतले कटे हों, बैटर ज़्यादा गाढ़ा ना हो, और फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, तब ये आलू टेस्टी और क्रंची बनेंगे। इसलिए तो इसका नाम ही है आलू क्रंच। देखिए, हमारे आलू क्रंच एकदम रेडी हो गए हैं। अब हम लेंगे एक तवा, उसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, और जो हमने बर्गर वाले बन लिए थे वो हम इस बटर में अच्छे से सेक लेंगे। फ्लेम हमें इसमें भी बिल्कुल ही स्लो रखनी है। इसे हम अलट पलट के दोनों तरफ से सेक लेंगे। वैसे आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बर्गर ऐसे भी बनाया जाता है बिना सेके, लेकिन बटर के साथ जो बर्गर का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और बटर में ये हल्के से सेकने से अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाते हैं और टेस्टी भी हो जाते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से सिक गए हैं। हम इसे तवे से उतार लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब हम बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले हम बर्गर का नीचे वाला पार्ट लेंगे, इसमें जो हमने सॉस रेडी की थी वो लगा देंगे अच्छे से, और जो हमने ये आलू क्रंच रेडी किए थे अब वो हम इसमें अच्छे से सेट कर देंगे इस तरीके से।
एक बर्गर में आप 4 से 5 आलू अच्छे से सेट कर सकते हैं। इसमें हम लगा देंगे ऊपर से अनियन रिंग्स, आप चाहें तो टमाटो या लेट्यूस, आप कुछ भी और लगा सकते हैं। थोड़ी सी सॉस ऊपर से और लगा देंगे हम इसके, ताकि ये क्रीमी और सॉसी बने अच्छा सा। और ऊपर से मैंने 2 आलू क्रंच और रख दिए, ताकि ये क्रंची और टेस्टी लगे। ऊपर से बर्गर से हम इसे कवर कर देंगे और एक आलू क्रंच और एक टूथपिक लगा के हम इसे सेट कर देंगे। बर्गर हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।